सो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं मनाली और दोस्तों बहुत ही शानदार मौसम है यहाँ का और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है और अब हम लोग जा रहे हैं होटल में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं होटल में और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है हमारा डे सेकंड और फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनाली और दोस्तों बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। जो हमने होटल लिया है हमने माउंटेन हाइट्स पे लिया है और इस हमारे होटल का नाम है होटल सियाल हाइट्स। और दोस्तों यहाँ से जो नज़ारा दिखता है, जो व्यू दिखता है, बहुत ही शानदार व्यू है दोस्तों यहाँ का। और चलिए आपको दिखाते हैं, पहले यहाँ का व्यू ही दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार व्यू यहाँ का। और ये यहाँ से माउंटेन्स दिखाई दे रही है। ये देखो बर्फ के पहाड़, कल रात को यहाँ पर बर्फबारी हुई है तो बहुत ठंड है और बहुत ही ठंडा मौसम है दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको अपने रूम का व्यू दिखा देता हूँ और रूम भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और ये है मेरा रूम नंबर 102 और ये है दोस्तों रूम, यहाँ पड़ा है हमारा लगेज और बाकी सब चीजें। और ये प्राची और लीजा सो रही है अभी, ये देखिए लीजा सो रही है रजाई में घुसकर क्योंकि बहुत ही ठंडा मौसम है। हेलो लीजा, चलिए अभी से उठाएंगे नहीं अभी एक बार क्योंकि अगर ये उठ गई तो फिर ये टिकने वाली नहीं है। तो और भी चीजें दिखाते हैं दोस्तों जो भी आपको दिखा सकते हैं यहाँ से। और अब धूप निकली है तो बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। और देखिए बर्फ किस तरीके से चमक रही है। ओहो सॉरी, ये तो एक्सपोजर बढ़ गया। ये देखिए दोस्तों ये हैं बर्फ के पहाड़, मतलब स्नो गिरी हुई है। और कुछ ही देर में हम लोग दोस्तों घूमने के लिए निकलेंगे और बाकी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और मौसम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार मौसम हुआ है यहाँ का। तो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ मेरे रूम से बाहर का व्यू, ये देखिए दोस्तों क्या शानदार मौसम है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो गाइस ये आ गया हमारा नाश्ता, दही अचार और आलू के पराठे। सो गाइस हम हो गए हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं लोकल मनाली घूमने और आज हम लोकल ही मनाली एक्सप्लोर करेंगे और लोकल ही घूमेंगे आज। और कल हो सकता है कि कल यहाँ से आसपास जो बाहर के जो एरियाज हैं वहाँ हम लोग घूमेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो दोस्तों सब लोग हो गए रेडी और लीजा भी हो गई है रेडी और इसको हमने बहुत सारे गर्म कपड़े पहनाए हैं क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड है, आप देख सकते हैं। लीजा हेलो करो। सो गाइस अब हम घूमने जा रहे हैं माल रोड और आज हम घूमेंगे लोकल मनाली और मनाली में जो जो जगह हैं वो सब घूमेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे माल रोड और उसके बाद में हम जाएंगे हडिम्बा टेम्पल। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और बहुत ही बढ़िया व्यू है दोस्तों
और बहुत ही बढ़िया मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और बहुत बहुत ही शांत माहौल है और बिल्कुल मतलब नेचर के नज़दीक। सो गाइस, हम आ गए हैं माल रोड पर और बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों। और अभी मतलब दोपहर 2:30 बजे का टाइम है, फिर भी काफ़ी भीड़ है और बहुत बढ़िया और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और मेरे साथ है लिजा और ये बहुत इंजॉय कर रही है। ओहो रुको, एक बार आंधी आ गई। चलिए दोस्तों, तो अभी आपको दिखाते हैं माल रोड का नज़ारा, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और बढ़िया होटल, शानदार नज़ारा दोस्तों। तो ये है यहाँ की माल रोड। हेलो, दोस्तों दिन का टाइम है फिर भी यहाँ काफी भीड़ है और इवनिंग में और भीड़ बढ़ जाएगी, और थोड़ी सी चढ़ाई है इसलिए मेरी भी सांस फूल गई है और मेरे पास वीजा भी है। सो गाइस, मौसम बहुत ही शानदार है और इस टाइम भी मतलब दोपहर का टाइम है, फिर भी भीड़ ठीक ठाक है, अच्छी भीड़ है और बढ़िया बढ़िया दुकानें। और ये क्या लिखा, वैलेंटाइन, अच्छा ठीक है भाई। और ये आ गया एक टैटू स्टोर, तो यहाँ के लोगों में टैटू का काफ़ी क्रेज़ है, यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है टैटू बनवाना। हिमालयन ढाबा, चॉपस्टिक रेस्टोरेंट, तो दोस्तों इस तरीके की चाइनीज आइटम, चॉपस्टिक, चॉपस्टिक का मतलब वही होता है जो नूडल्स, जो चाइनीज लोग दो नूडल्स खाते हैं ना उससे, अपने दो स्टिक से खाते हैं उन्हें चॉपस्टिक बोलते हैं। और ये फिर से एक टैटू का स्टोर आ गया है, कोई टैटू बनवाना चाहे तो यहाँ आके बढ़िया से बनवा सकता है। और एक कोई फैक्ट्री आउटलेट है। और दोस्तों मौसम और बाकी चीज़ें बहुत ही अच्छी है और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। और ये कोई एक मंदिर भी आया है यहाँ पर, चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा मंदिर है ये। और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, ये है जय माँ दुर्गा टेम्पल। दोस्तों इस टाइम भी भीड़ अच्छी है और बाकी शाम का माहौल तो और भी शानदार और बहुत भी बढ़िया होता है, क्योंकि लाइट्स बहुत अच्छे से बढ़ जाती है यहाँ पे और लाइटिंग अच्छी होती है। उसके अलावा लोग जो क्राउड होता है सारा नाइट में ज़्यादा आता है माल रोड पे, तो भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तो लोग इधर उधर आसपास के एरियाज में घूमने गए होते हैं, तो इस टाइम थोड़ी कम भीड़ होती है, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग फिर भी ठीक है भीड़। और नाइट में तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया, तो कोशिश करेंगे नाइट को भी हम लोग यहाँ पर आएँ तो वहाँ भी देखेंगे। मॉडर्न कलेक्शन फार्मेसी, शान ए पंजाब रेस्टोरेंट, तो वेज रेस्टोरेंट है दोस्तों ये, तो जो लोग वेज के शौकीन हैं वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, खा सकते हैं इजीली। मार्केट थोड़ी कॉस्टली है और फूड भी काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे नॉर्मल जगहों से, क्योंकि हिली एरिया पड़ता है इसलिए। और दोस्तों ये हम आ गए हैं इस माल रोड के एंड पॉइंट पर, और दोस्तों यहाँ लगा है स्टैचू श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का,
दिखाते हैं दोस्तों आपको। बहुत ही शानदार नजारा। और ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस। तो दोस्तों माल रोड का व्लॉग होगा हमारा यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबको बाय।